हेलो एवरीवन आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की डिस्कशन की थी उसमें हमने सारे इनपुट जितने भी वहाँ पे यूनिट्स यूज़ हुए थे लाइक इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट सीपीयू मेमोरी यूनिट उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी तो आज हम उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द बेसिक फंक्शंस प्रिफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर बेसिक फंक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो कौन सा है फर्स्ट वन इज डाटा प्रोसेसिंग सेकंड इज डाटा स्टोरेज नंबर थर्ड इज डाटा मूवमेंट नंबर फोर्थ इज डाटा कंट्रोल नंबर फिफ्थ इज आल ऑफ द अबो तो हमने पढ़ा था कि जो बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का है वो क्या है डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर करवाता है क्योंकि सीपीयू सारी प्रोसेसिंग करवाता है तो डाटा की प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर में होती है नंबर सेकंड इज डाटा स्टोरेज तो डाटा भी स्टोर किया जाता है मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज के लिए हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी है तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए ओके तो बी ऑप्शन भी ठीक है तो थर्ड ऑप्शन है डाटा मूवमेंट डाटा की मूवमेंट तो डाटा की मूवमेंट का मतलब है कि डाटा को फेच करना मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा को फेच करके लाता है तो मतलब डाटा की मूवमेंट हो रही है वहाँ से डेटा आ रहा है तो ये भी कंप्यूटर का काम है नंबर थर्ड इज़ डाटा कंट्रोल डाटा को कंट्रोल करें ओबियसली कंप्यूटर में जो डेटा है वो कंट्रोल होता है कंट्रोल करके कंप्यूटर उसको रखता है कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू तो ये चारों के जो जो भी ये चार ऑप्शनस हैं ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं इसका करेक्ट आंसर है आल ऑफ अबो। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा नंबर सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस हुआ था ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास 1966 ऑप्शन बी इज 1969 ऑप्शन थर्ड इज नाइनटीन ऑप्शन डी इज़ नाइनटी सेवेंटीज़ तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ था कब नाइनटी सेवेंटीज़ में सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओके नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है द सी पी यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैंने आपको बताया था कि जो सी होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो सी है उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं पहला ऑप्शन में दिया है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग नंबर सेकंड में दिया है इनपुट स्टोरेज आउटपुट नंबर थर्ड में दिया है कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज तो आपको पता है कि जो सी पी यू कंप्यूटर सिस्टम का जो सी पी यू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो तीन पार्ट्स का बना हुआ होता है फ़र्स्ट कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट का बना हुआ होता है ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से बना हुआ होता है और थर्ड कौन सा होता है मेमोरी यूनिट सो ऑप्शन सी इज़ करक्ट आंसर ओके आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है आ डैश डिवाइस इज़ अ डिवाइस डेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ सेंड टू द सीपीयू। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आउटपुट ऑप्शन बी है हमारे पास मेमोरी। ऑप्शन थर्ड है हमारे पास सीपीयू। और ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास इनपुट तो वो कौन सा डिवाइस है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और सीपीयू को वो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस इज़ अ डिवाइस डेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ सेंड टू दी सीपीयू ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन डिश हमारे पास जो इनपुट यूनिट होता है वो डेटा को कन्वर्ट करता है इन कंप्यूटर किस फॉर्म में करता है वो उसको कन्वर्ट फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अंडरस्टैंडेबल ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है एक्सेप्टेबल ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है रिजेक्टेबल और ऑप्शन फोर्थ दिया हुआ है स्वटेबल तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी तो इनपुट यूनिट हमारे पास जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो भी यूज़र उनको डेटा प्रोवाइड करता है वो उस डेटा को हमेशा किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एक्सेप्टेबल फॉर्म में सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स आउटपुट यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं प्रिंटर ऑप्शन फर्स्ट है प्रिंटर ऑप्शन सेकंड है प्लॉटर ऑप्शन थर्ड है मॉनिटर और ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास आल ऑफ दी अबो तो आपको पता है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू वो डिवाइसेस जिसके थ्रू यूज़र को उसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया जाता है ओके okay? तो प्रिंटर भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है और हमारे पास मॉनिटर भी हमारे पास क्या है आउटपुट डिवाइस है तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो ओके तो डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास द मेन जॉब ऑफ सी पी यू इज सी पी यू का मेन जॉब क्या है ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑप्शन सेकेंड है हमारे पास स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज़ ऑप्शन थर्ड है हमारे पास प्रोसेस्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन और ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास बोथ ए एंड सी आई होप आपको इसका आंसर आता आ रहा होगा आपको पता है कि सीपीयू का क्या मेन फंक्शन है सबसे पहले तो वो कैरी आउट करता है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग करवाता है ओके okay? कि उन प्रोग्राम कैरी आउट करता है जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करता है तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है नंबर सेकंड है हमारे पास स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज़ तो सीपीयू का ये काम नहीं होता है कि डेटा को स्टोर करके रखना फ्यूचर यूज़ के लिए ये किसका काम है ये सारा हमारे पास मेमोरी यूनिट का काम है जो भी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी है कैश मेमोरी है तो ये जो मेमरीज़ है मेमरीज का काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना ओके ऑप्शन थर्ड है प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन ये तो आपको पता है कि सीपीयू का मेन काम यही होता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करवाना सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड सी ओके आई होप आप को यह सब समझ आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर एट थे हमारे पास वट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन सी पी द कंप्यूटर सिस्टम क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जो लॉजिकल यूनिट हमारा सी के अंदर होता है आपको पता है कि सी के तीन मेन कंपोनेंट हैं नंबर फर्स्ट हमारे पास है कंट्रोल यूनिट नंबर सेकंड है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और नंबर थर्ड है हमारे पास कौन सा मेमोरी यूनिट तो यहाँ बात हो रही है लॉजिकल यूनिट की सी में फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है टू डू मैथ वर्क ऑप्शन सेकेंड बता रहा है टू प्रोड्यूस नंबर्स ऑप्शन थर्ड बता रहा है टू कंपेयर नंबर्स ऑप्शन फोर्थ बता रहा है टू कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा तो आपको पता है मैंने आपको बताया हुआ है कि अर्थमैटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस का क्या काम है लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं एग्जांपल कौन सी है लाइक एंड ऑपरेटर है आर ऑपरेटर है हमारे पास नार ऑपरेटर है हमारे पास जार ऑपरेटर है नाट ऑपरेटर है ये सारे ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या काम होता है हमेशा जो नंबर्स उनके पास होते हैं उनको कंपेयर करवाना कंपे कंपेरिजन के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है सो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है टू कंपेयर नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू कंपेयर नंबर्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन्थ बोल रहा है विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी यूनिट एंड एल ये बता रहा है कि कंप्यूटर का वो कौन सा यूनिट है जो मेमोरी यूनिट और अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन करवाने में मदद करता है उस यूनिट को क्या कहा जाता है फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सी सी यू ऑप्शन सेकेंड है हमारे पास ए एल यू ऑप्शन थर्ड है हमारे पास यू पी एस ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास सी पी यू तो आपको पता है हमारे पास जो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है इनकी जो कम्युनिकेशन करवाता है वो कौन सा करवाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही काम होता है कि वो कम्युनिकेशन करवाता है ए एल और मेमोरी यूनिट के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी जेके एस एस बी में पूछा गया है ओके सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेंथ बता रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमैटिक ऑपरेशन डज द ए एल यू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में अर्थमैटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो कितने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑप्शन सेकंड है हमारे पास फाइव ऑप्शन थर्ड है हमारे पास फोर ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास सिक्स तो यहाँ पे किस ऑपरेटर की बात की गई किस ऑपरेशंस की बात की गई अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे पूछा है अर्थमेटिक ऑपरेशन तो आपको पता है कि अर्थमैटिक ऑपरेशन कितने तरह के होते हैं चार तरीके के होते हैं कौन कौन से एडिशन सबस्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो चार अर्थमैटिक ऑपरेशन होते हैं ए एल यू के अंदर ओके okay? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके आई होप आज हमने जितने भी ये सारे एम सी क्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किए आपको ये सब अच्छी तरीके से समझ आए होंगे इनमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अगर आपको कोई भी डाउट इनमें अभी भी हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मैं आपका डाउट फिर से क्लियर करूँगी ओके okay? तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके कितने एम सी क्यूज़ ठीक हुए हैं यहाँ पर आपने कितने क्यूज़ का करेक्ट आंसर दिया और कितने आपसे गलत हुए हैं आप इसको फिर से अच्छे से इन क्यूज़ को कीजिए क्योंकि ये जेके एस एस भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं ऐसे क्यूज़ सारे जेके भी पहले पूछ चुका है तो आज फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू सो मच बाय टेक केयर